हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड हमने कैपेसिटर के लिए देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक ले रहे हैं, एटमिक पोलराइजेबिलिटी। एटमिक पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? आपको पता है कि आपका जो एटम है वो उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस पूरा एटम की बात करें तो जितना चार्ज नाभिक पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है और हम परमाणु को उदासीन मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सारा सेंटर पे मास है और चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज का तो है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते जा रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, इनका भी चार्ज और मास कहीं पर तो लोकेट होगा। आप जो कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो एक मेन पोजीशन पर कैलकुलेट करते हैं। मतलब हम जो भी वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है पार्टिकल, उसके मास और चार्ज को भी कहाँ पर सेंट्राइज्ड मानते हैं, सेंटर की ओर, जिसके कारण ही सेंटर की ओर क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास और चार्ज है वो भी हम सेंटर पे सेंट्राइज्ड मानते हैं, और जो नाभिक का नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स का चार्ज और मास है वो भी सेंटर पे सेंट्राइज्ड मान रहे हैं। तो इस स्थिति में परमाणु क्या होगा, आपका उदासीन। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ई वेक्टर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एन टू पी होता है, ये हमेशा एन टू पी डायरेक्शन में होता है, जबकि ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये इनकी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करते हैं, जबकि पॉजिटिव आयंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गति करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आयन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्का सा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पोजीशन पे थे, लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच आ जाता है। इस स्थिति को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। परमाणु कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, उसमें ध्रुवता आ गई, और इसे हम बोलते हैं परमाणवीय ध्रुवणता। ठीक है, अब आपको पता है कि जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का है, क्योंकि पी इज इक्वल टू ई है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो दोनों समान परिमाण के चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं और अत्यल्प दूरी पर है, तो क्या ये डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे? तो इस स्थिति में परमाणु डाइपोल मोमेंट की भांति बिहेव करता है। अब इसमें डाइपोल के कारण डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा, और वो डाइपोल मोमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान पर डिपेंड करेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं अल्फा। तो इस अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन ई। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1 वोल्ट पर मीटर, तो जो अल्फा होगा वो होगा आपके पास पी, यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जितना डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होता है उसे ही बोलते हैं हम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो अल्फा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी क्या है, डाइपोल मोमेंट ही है,
लेकिन 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एकांक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही परमाणवीय ध्रुवणता कहते हैं। ठीक है, इसी के ऐसे हमारे पास एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन स्मॉल पीसेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम पर विद्युत ध्रुवण। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। इसकी प्लेट ए और बी पर जो चार्जेस हैं वो हैं प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस क्यू। ए एंड बी प्लेट्स पर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पर इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का मीडियम भर देते हैं। तो ये हमने इसमें मीडियम भर दिया है। जैसे ही हम मीडियम भरते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि मीडियम में प्लस क्यू वाली प्लेट की तरफ तो नेगेटिव चार्जेस और माइनस क्यू वाली प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव और नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इस घटना को ही कहते हैं हम विद्युत ध्रुवण, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो क्या होता है, इस मीडियम के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किधर जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, और नेगेटिव चार्जेस किधर जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण ये इस तरह से सारा जो जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरा है वो सारा क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी वो क्या होती है आपको पता है, क्यू पाई ए। ये पोलराइजेशन के केस में है इसलिए पी लिया है, अगर फ्री स्टेट में लेते हैं तो सिग्मा एफ लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्यू होगा वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ए। अब चूंकि आप जानते हैं अगर ये चार्जेस इस तरह से ध्रुवित हो गए तो ये एज ए डाइपोल बिहेव करेंगे, और इस स्थिति में डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा। उस डाइपोल मोमेंट का मान कितना होगा, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, अगर हम इसके डिस्टेंस टोटल डी ले लें तो क्यू डी हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, पी इज इक्वल टू सिग्मा पी ए डी, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये आपको पता है वॉल्यूम होता है, तो ये आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा। अब लेकिन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, तो ये होता है स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम की प्रेजेंस में उत्पन्न डाइपोल मोमेंट को ही इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। एकांक आयतन की उपस्थिति में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत ध्रुवण कहते हैं। डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख देंगे, पुट इक्वेशन नंबर 4 in 5 एंड वी गेट स्मॉल पी इज इक्वल टू सिग्मा पी ऑफ वी एंड वी, यानी कि स्मॉल पी इज इक्वल टू सिग्मा पी। तो ये आपके पास विद्युत ध्रुवण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो क्या होता है देखते हैं,
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E होता है। तो जो काम यहाँ पर H का होगा वो तो E का होगा, पर जो काम यहाँ B का होता है वो यहाँ D का होता है। उस D को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये D आया कहाँ से, अभी हम वही कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स ए एंड बी पर चार्ज प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू है। और इस प्लेट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है ई नॉट वेक्टर। हम इसमें स्मॉल टी विड्थ का एक मीडियम भर देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं, और हमने यहाँ पर एक माध्यम भर दिया है। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरते हो तो आपको पता है कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे और इसके नेगेटिव चार्जेस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस होंगे। अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको ईपी सिंबल दे दिया है। ठीक है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वैक्टर, वो क्या होगा, ई नॉट वैक्टर एक्सटर्नल माइनस अपोजिट डायरेक्शन का ईपी वैक्टर। अब E आपको पता है, चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर E वेक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा E नॉट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सिग्मा F अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्री चार्ज कैरियर्स के लिए माइनस सिग्मा P पोलराइज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एफ माइनस सिग्मा पी। सिग्मा एफ माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, और सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस सिग्मा पी। अभी हमने देखा कि इस बाउंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी जो है वो किसके इक्वलेंट होती है, वो होगी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के इक्वल। तो इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट सिग्मा एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी। ठीक है, अब ये आपके पास फ्री चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी आ गई। यहाँ पर हम एक नया फिजिकल सिंबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मान है वो फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा एफ के इक्वलेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू द फ्री चार्ज डेंसिटी। तो फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन थर्ड, वी गेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी, इक्वेशन नंबर 5। अब आपको पता है चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, जो कि इक्वलेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है,
ये भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्मूलाइज मिल रहे हैं वो ये सब आपने लर्न करने हैं। डी वेक्टर इज इक्वल टू, एक तो किसके इक्वल हो गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी, दूसरा सिग्मा एफ और एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, क्योंकि आज ही बताया डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई होता है और जैसे आपके उसमें बी इज इक्वल टू म्यू एच चलता है सिमिलरली, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये भी, तो ये पूरा टर्म हमें लर्न रखना है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है हमें वैसा ही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ख़त्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए काई इज इक्वल टू आई अपॉन एच इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी काई से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है स्मॉल पी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा एटम पोलराइज्ड होगा और उतना ही ज़्यादा मीडियम में आपके पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्मॉल पी इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आता है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ आता है काई और ई, तो काई इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, इस काई को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, विद्युत प्रवृत्ति। इसके अलावा आपको चार मैक्सवेल इक्वेशंस याद करनी है आगे के डेरिवेशंस के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। मैक्सवेल नामक एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को आपस में रिलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस डिस्क्राइब की, उन इक्वेशंस को ही कहते हैं हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो क्या है यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी। सेकेंड इक्वेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने के लिए। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। हम इसी बुक में यूनिट इस आगे इसी इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशंस को प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, बट अभी आपको यहाँ पर लर्न रखनी है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। जे क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमीएबिलिटी क्या होती है, चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी, विद्युतशीलता, ठीक है, ये आपके दोनों ही वैक्यूम के केस में, ये सारी इक्वेशंस ही हमने वैक्यूम के लिए लिखी है। अगर हम इसको मीडियम के लिए करें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम हो जाएगा, म्यू एम म्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ये नॉट हट जाएंगे अगर आप इसको मीडियम के लिए करते हो तो, ठीक है, थैंक यू।